लखनऊ के करीब चंद्रिका देवी मंदिर। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि जो इस तरह की जगहें होती हैं वहाँ पे आप आते नहीं हैं, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है। तो इसी तरीके से आज कुछ हुआ कि हम लोग यहाँ के लिए निकले तो नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आपने लाइव वीडियो देखा होगा कि हम लोग जो है वो पुराना जो है बरगद का पेड़ देखने के लिए निकले थे, मगर हम पहुँच यहाँ पे गए। तो पहले तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा माहौल दिखाएंगे इस जगह का, और उसके बाद स्वप्निल जो हमारे साथ है वो इस जगह के बारे में आपको कुछ बताएंगे, कुछ फैक्ट्स बताएंगे। स्वप्निल कुछ बोलो, तो एक लफ्ज तो बोलो। हाँ, पहले तो हेलो सबको। हाँ, तो आज हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर आ गए हैं। चंद्रिका देवी मंदिर पे हम लोग निकले हुए थे, जैसे बताया वट वृक्ष देखने के लिए निकले। लफ्ज नहीं, अल्फाज बोलो, मतलब ज्यादा प्लूरल, बहुत सारे। पहले हम दिखा दे, जब तक तुम मोबाइल से पढ़ लो जो है, तो जब तक मोबाइल से पढ़ने का स्वप्निल को टाइम दिया जाए, और इसकी जो है इसका इतिहास क्या है, जब तक आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। देखिए, तो जैसा स्वप्निल बता रहे थे कि 300 साल से भी पुराना ये जो है ये जगह है, और यहाँ का सिग्निफिकेंस पहले तो बताओ जो कार में हम लोग की बात हो रही है। यहाँ का ये है कि ये मंदिर पहली बार तो पुराना है, और पुराना होने के साथ उधर आ जाते हैं पुराना। नहीं, यहाँ पे व्यू अच्छा है। हाँ। तो ये मंदिर बहुत पुराना है, और इस मंदिर का एक और है कि तीन तरफ से नदी, गोमती नदी से घिरा हुआ है। तीन तरफ से जो है गोमती नदी घिरा हुआ है। और बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पर। लखनऊ से करीब होगा ये 35-40 किलोमीटर होगा। अच्छा, बख्शी का तालाब के एरिया में आता है। बख्शी के इधर धूप से हट जाओ, इधर आ जाओ। और ये क्या नाम है जो शक्तिपीठ के बारे में तुम हमें कारें बता रहे थे भाई? ऐसा कहते हैं कि स्कंद पुराण के आधार पे जो घटोत्कच का पुत्र था बर्बरी, अच्छा, उसने पूजा करने के लिए यहाँ पर स्थापना किया था। अच्छा। हाँ, ये मतलब चंद्रिका देवी की, चंद्रिका देवी जो अवतार है बेसिकली दुर्गा माता का अवतार है। हाँ। और उनका मतलब उनकी पूजा करने के लिए उसने यहाँ पे संगम सागर में यहाँ पे स्थापित किया। और जैसा ये देख रहे हैं, ये तालाब छोटा सा बना हुआ है, ये इसीलिए बना हुआ है कि लोग आए पहले नहाए धोए फिर उसके बाद पूजा करने मंदिर में जाए। अच्छा, चलिए, एक छोटा सा ये वीडियो था लखनऊ के भाइयों के लिए। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी यहाँ पे आइए, और जो भी भाई जो है हमारा वीडियो देख के जहाँ जाते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताया करिए कि भाई आप भी वहाँ पे गए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब मैसेज आता है कि आपकी वजह से हमें जगह पता चली, या आपको देख के हमें लगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए। और जब आप लोग हमें मैसेज करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि वो वीडियो बनाने का एक मतलब वो मिल गया जो है कि जिसके लिए वीडियो बनाया था। अंदर से भी दिखा दीजिए। चलो चलो भाई, थोड़ा अंदर भी दिखा देते हैं जो है, तो आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा के फिर ये वीडियो जो है एंड कर बताते हैं। यहाँ की मान्यता इतनी ज्यादा है कि लोग जो भी मांगते हैं पूरा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। नवरात्रि का समय आ रहा है तो देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है। नवरात्र में बहुत भीड़ होगी यहाँ पे। हाँ, आम दिनों में भी रहती है, लेकिन नवरात्रि में क्योंकि दुर्गा जी का ही अवतार है। अच्छा। नवरात्रि उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होगी। मंदिर का मेन पंडाल है, ये मंदिर का मेन पंडाल है जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये सामने दरबार है जहाँ पे अंदर माता जी हैं। अच्छा, सामने एक काम करते हैं, सामने का वो जो बाजार लगा हुआ है वो दिखा के एंड कर देते हैं, वो अच्छा लग रहा है। चलिए, आप लोग को बाहर लेके चलते हैं जो है, और उसके बाद ये छोटा सा वीडियो एंड कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। क्यों भाई स्वप्निल, अगर वीडियो शेयर करेंगे तो हम लोग को बुरा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं, नहीं भाई, अपने भी, आपकी भी जो भी मान्यताएं आस्थाएं जुड़ी हैं इस मंदिर से वो भी बताइए। हाँ, अगर आपकी भी कोई आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है या कोई मान्यता, तो सारी कहानियां होती कि आपने कुछ मांगा और यहाँ पे पूरा हो गया, तो वो भी बताइए कि हाँ, वो उसको भी जोड़ेंगे आगे। हाँ, वो भी बताइए जैसे स्वप्निल कह रहे हैं। तो देखिए, ये जो है मंदिर के अंदर आने का जो है यहाँ से, अच्छा ये गेट पूरा दिखा देते हैं। देखिए जो है कितना ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत माहौल लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बंद कर देना स्वप्निल, और स्वप्निल आपका भी खास धन्यवाद।